हमारे पास रुकने शूरा हाजी अजहर अत्तारी की एक आवाज है, कुछ इन्होंने बातें हमसे माजी की बयान की हैं, आइए वो सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सगियत्तार अजहर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला माजी की यादें बहुत दिलचस्प भी है, मालूमाती भी है, और बहुत सारे इसमें ऐसे मदनी फूल भी हैं कि जिन पर अमल करके कैसे कामयाब जिंदगी गुजारने का अंदाज इख्तियार किया जाए। अमीर सुन्नत की माजी की यादों में बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। माह मिलाद के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी तो अमीर सुन्नत के साथ जो मुझे पहली बार मौका मिला था बाबुल मदीना कराची में, तो बड़ा यादगार मेरे लिए था वो माह मिलाद की वो घड़ियां, और वो खास तौर पे वो शब मिलाद जब अमीर अले सुन्नत के साथ ये हुआ था कि मुझे जो याद पड़ता है ये एक मस्जिद का इफ्तिताह भी था, गालबन फैजान मुश्ताक मस्जिद थी, तो वहाँ ईशा की नमाज जमात गालिबन वहाँ पहुँचे थे, फिर रात जो है वो ककरी ग्राउंड में गालिबन इज्तमा मिलाद था। तो मेरी तो जिंदगी का एक पहला ये ऐसा बड़ा इज्तमा था, और वो वहाँ जो रौनक और वो सूरत जो देखी थी। अभी वो जो शेर है ना मिलर सुन्नत का कि फूले नहीं समाते हैं अत्तार आज, तो ये मैंने मतलब पर्सनली इसका जो है ना वो मिसदाक और इसकी मतलब हकीकत, इसकी रूह इस शेर की मैंने वहां देखी है मिलर सुन्नत की कैफियत में। वाकई वो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लफाजी है, हकीकत में मिलर सुन्नत के जो है ना वो कैफियत जो थी अमीर सुन्नत की कैफियत और इनकी खुशी ही और इनका वो मंजर क्या बात है। फिर वो उसके बाद सुबह बहारा, तो सुबह बहारा के बाद क्या वो मंजर, ये चीजें वाकई एक इंसान के अंदर जो है ना वो इश्क की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के जश्न की जो है ना वो मोटिवेशन पैदा करती हैं। अल्लाह पाक हमें भी यही जौक, यही शौक, यही लगन भी अता फरमाए और जश्न मिलाद की धूम मचाते हैं, मचाते रहे। अमीर सुन्नत की इस शेर का सदका अता करते, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। दुआए बेसाब मगफरत का तलबगार हूं। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अजहर भाई ने अपना एक वाकया हमसे बयान किया कि उस मस्जिद का इफ्तिताह था गालिबन, बारहवीं शब होगी हुजूर, यही सब इनकी बातों से तो यही लग रहा है याद। बारहवीं शब तो ये बता रहे ककरी ग्राउंड में इज्तिमा मिलाद होता था, दे मार्केट के पास ककरी ग्राउंड, बरसों पुरानी बात ये बता रहे जी। उस वक्त मेरा ख्याल है सिक्योरिटी इशू भी मेरा नहीं होगा, होगा फैजान मुश्ताक मस्जिद अगर ये हाजी मुश्ताक के जब इज्तिमा मिलाद होता था उस वक्त सिक्योरिटी इशू था जी हुजूर। अच्छा चलो होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। 96 के बाद हमारा सिक्योरिटी इशू हुआ था, हमारे साथ ये था और उसमें इफ्ती जुलूस में भी था। अच्छा, और जो फैजान मुश्ताक मस्जिद का इफ्तिताह के तो हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल करने के बाद ही शायद ये मस्जिद का इफ्तिताह हुआ होगा, तो शूरा बनने के बाद ही की बात बयान फरमा रहे शायद ये। अगर मस्जिद फैजान मुश्ताक तो तहरीक है सल्लु अलैल हबीब।